गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसका इस्तेमाल खाने की कई चीजों में किया जाता है। ब्रेड, बिस्किट से लेकर रोटी, मैदा तक सब इसी से बनाया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गेहूं की किस्म तैयार की है जिससे साल में कई बार पैदावार ली जा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में गेहूं का निर्यात रुकने से दुनिया भर में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था। कई देशों में गेहूं से तैयार होने वाले सामान की किल्लत होने लगी थी। अफ्रीका और यूरोपीय देशों में ब्रेड मिलना मुश्किल हो गया था। सभी जानते हैं इसका विकल्प सिर्फ गेहूं है, जो एक बार बोया जाता है और 4 महीने बाद ही उसकी फसल तैयार हो जाती है। इसे साल भर में कई बार नहीं उगाया जा सकता है। अब जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गेहूं की इस समस्या का हल निकाल लिया है। वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है जिसकी फसल साल में 6 बार काट सकेंगे। इतना ही नहीं, इस किस्म की पैदावार भी बंपर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के म्यूनिक शहर में शोधकर्ता एक क्लाइमेट चैम्बर के भीतर गेहूं की खेती पर दिलचस्प प्रयोग कर रहे हैं। गेहूं की ये खास किस्म न केवल बहुत तेजी से पककर तैयार होती है, बल्कि साल में कई बार फसल दे सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक गेहूं की ये खास किस्म 10 हफ्ते यानी 2.5 महीने से पहले पककर तैयार हो जाएगी। ये किस्म ज़्यादा रोशनी में पैदावार भी ज़्यादा देगी, इसलिए भारत जैसे देशों में ये किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक गेहूं की इस किस्म को उगाने में लागत काफ़ी कम आएगी। एक बार की लागत में किसान 6 गुनी फसल ले सकेंगे। यानी अभी अगर 1 एकड़ में आप 20 कुंतल गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इतनी ही ज़मीन पर 100 कुंतल गेहूं पैदा कर लें। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के वैज्ञानिक गेहूं की इस किस्म के हर पहलू पर नज़र रख रहे हैं। गेहूं को कितने पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि सामान्य खेती के मुकाबले इसमें पानी की खपत 95% तक कम हो। इस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की चेयर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल फंडिंग कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।